परिणाम अब तक एग्जिट पोल के अनुरूप ही नजर आ रहे हैं। रुझानों में यूपी उत्तराखंड में बीजेपी बहुमत के आंकड़े को पार कर चुकी है। पंजाब में आप रुझानों में बहुमत हासिल कर चुकी है और मजबूती से आगे बढ़ रही है। मणिपुर में बीजेपी सबसे आगे चल रही है। आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्य पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा के विधानसभा चुनाव के बाद अब तक के रुझान एग्जिट पोल के अनुमानों के लगभग अनुरूप ही नजर आ रहे हैं। रुझानों में यूपी और उत्तराखंड में बीजेपी बहुमत के आंकड़े को पार कर चुकी है। पंजाब में आप रुझानों में बहुमत हासिल कर चुकी है और मजबूती से आगे बढ़ रही है। मणिपुर और गोवा में भी बीजेपी सबसे आगे चल रही है। राजनीतिक दलों और नेताओं से लेकर चुनावी पंडितों एवं आम आदमी की नजरें नतीजों पर टिकी हुई हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि परिणाम आमतौर पर एग्जिट पोल के अनुरूप ही रहते हैं या इन तमाम अनुमानों को झुठलाते हुए वोटर अलग जनादेश देते हैं। हालांकि अधिकांश एग्जिट पोल्स के में बीजेपी को बहुमत मिलने या सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने का अनुमान जताया गया है। उत्तर प्रदेश को भाजपा और मोदी सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि यह राज्य सबसे ज़्यादा 80 सांसद लोकसभा भेजता है। विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन का 2024 के आम चुनाव पर असर पड़ने की उम्मीद है। पंजाब की बात करें तो यहां फिलहाल कांग्रेस की सरकार है। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह छतरी के सामने अपनी गद्दी बचाने की चुनौती है। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी से कांग्रेस की कड़ी टक्कर मिलती दिख रही है। अकाली दल और बसपा गठबंधन तथा बीजेपी एवं कैप्टन अमरिंदर की पंजाब लोक कांग्रेस गठजोड़ भी चुनाव मैदान में है। एग्जिट पोल से आपको बड़ी ताकत बनकर उभरते हुए दिखाया जा रहा है। उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की लड़ाई है। मौजूदा मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता पुष्कर सिंह धामी के सामने सिंहासन बचाए रखने की चुनौती है। वहीं कांग्रेस बीजेपी को हटाकर सत्ता पाने की चाहत में है। गोवा और मणिपुर में सत्ताधारी दल बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। हालांकि सत्ता से दूर रहने की स्थिति में दोनों पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।